गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर गुड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर इलेवन एडजेक्टिव फ्रॉम योर ग्रामर बुक सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडजेक्टिवस एडजेक्टिव किसे कहते हैं एडजेक्टिव आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दे डिस्क्राइब परसन एनिमल्स और बर्ड्स प्लेसेस और थिंग्स एडजेक्टिव्स क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो डिस्क्राइब क्या करते हैं पर्सनस एनिमल्स और बर्ड्स प्लेसेज और थिंग्स को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स टेल अस अबाउट द कलर शेप और साइज एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं कलर को शेप को और साइज़ को अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एडजेक्टिव्स क्या करते हैं किसी भी पर्सन की या एनिमल की जो क्वालिटीज होती है, उनको describe हैं उनको डिस्क्राइब करता है लेट्स रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट है जॉन इज अ टॉल बॉय ही रन रन वेरी फास्ट जॉन क्या है एक टॉल बॉय है टॉल क्या है उसकी क्वालिटी है कि वो एक टॉल बॉय है ही रन्स वेरी फास्ट वो रन क्या करता है बहुत तेज दौड़ता है फास्ट क्या होगी उसकी क्वालिटी ही इज गुड एट स्पोर्ट्स वो किस में गुड है स्पोर्ट्स में ही इज़ द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज बास्केटबॉल टीम वो क्या है एक बेस्ट प्लेयर है अपनी बास्केटबॉल टीम का तो इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं फर्स्ट है टॉल सेकेंड इज फास्ट थर्ड कौन सा है गुड एंड बेस्ट ये क्या है हमारी इसकी इनके एडजेक्टिव्स एंड जॉन की क्या है ये क्वालिटीज़ अब इसका बी पार्ट देखते हैं अंडरलाइन द ए्जेक्टिव एंड सर्कल द नाउंस दे डिस्क्राइब आपने क्या करना है नाउंस को के एजेक्टिवस को आपने सर्कल करना है फर्स्ट है मिस्टर शर्मा इज एन ओल्ड मैन मिस्टर शर्मा क्या है एक बूढ़े व्यक्ति हैं ओल्ड मैन तो आप इसमें सर्कल करोगे ओल्ड में सेकेंड है द मैंगोज आर स्वीट मैंगोज क्या है स्वीट स्वीट क्या है उसकी क्वालिटी देन स्वीट इज एडजेक्टिव थर्ड है शी इज़ वेयरिंग अ नाइस ड्रेस शी इज़ वेयरिंग अइस ड्रेस ड्रेस कैसी है उसकी नाइस शी इज वेरिंग उसने वह वे सॉरी उसने नाइस nice ड्रेस पहनी हुई है मतलब कि एक अच्छी ड्रेस पहनी है तो नाइस nice क्या है एक एडजेक्टिव नाइस पे आप सर्कल करोगे फोर्थ है चिल्ड्रेन आर प्रिटी चिल्ड्रेन आर प्रिटी प्रिटी पे आप सर्कल करोगे एंड नेक्स्ट इट इज रेनी डे कैसा दिन है आज रेनी डे तो रेनी पे आप सर्कल करोगे सिक्स है दिस बॉक्स इज वेरी हैवी बॉक्स क्या है बहुत हैवी है तो हैवी पे आप सर्कल करोगे सेवन the वुड कटर वॉज ऑनेस्ट जो वुड कटर है वो क्या है ऑनेस्ट था ठीक है ऑनेस्ट पे आप सर्कल करोगे एट्थ है यू कैन वेयर द रेड ड्रेस कैसे ड्रेस पहनी है आपने रेड तो रेड क्या है उसकी क्वालिटी तो आप रेड पे अंडरलाइन करोगे सॉरी सर्कल करोगे नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल ऑब्जेक्टिव फॉर द नाउन इन ईच सेंटेंस आपको फिलप्स दिए हैं इसमें आपको ब्रैकेट में क्या दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव दिए हैं आपने चूज करके इसको फिलप्स में फिल करना है फर्स्ट देखिए ड्यूरिंग द रेन स्ट्रॉम्स द नाइट्स आर डैश जब भी क्या होता है रेन आती है रेन स्ट्राम्स मतलब तूफान आता है तो रातें क्या हो जाती हैं ब्राइट या डार्क दोनों में से आपने ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है तो इसमें क्या आएगा डार्क नाइट्स क्या होती है डार्क हो जाती है नाइट्स आर डार्क सेकेंड देखिए द जिराफ इज अ डैश एनिमल ब्रैकेट में आपको दिया टॉल या शॉर्ट आपको पताइए जिराफ कैसा होता है टॉल तो ब्लैंक में आप क्या लिखोगे टॉल एनिमल थर्ड है ही ईट्स एंड स्लीप्स ऑन टाइम दैट इज वाई ही इज डैश वो क्या करता है टाइम पर खाता है और सोता है इसीलिए वह क्या है डैश मतलब हेल्दी या अनहेल्दी ब्रैकेट में आपको दिया है तो आप क्या फ़िल करोगे हेल्दी इसलिए वह हेल्दी है फोर्थ रोज़ इज डैश रोज़ कैसा होता है आपको पता ही है रेड कलर का तो आप ब्रैकेट में क्या फिल करोगे रेड रोज इज रेड इन कलर फिफ्थ देखिए अ वीक हैज़ डैश डेज वीक में कितने डेज होते हैं सेवन तो आप फिल क्या करोगे सेवन सिक्स देखिए अ मैंगो इज़ डैश स्वीट या बिटर मैंगो कैसा होता है स्वीट तो आप क्या फिल करोगे स्वीट सेवंथ फ्लावर्स आर डैश फ्लावर्स आर डैश कैसे होते हैं फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं या अगली होते हैं तो आप क्या फील करोगे इसमें ब्यूटीफुल सुंदर होते हैं एट्थ द वेयर वुलन क्लॉथ्स वैन इट इज डैश आप कब वेयर करते हो वुलन क्लॉथ्स को जब कोल्ड cool होती है या हॉट होती है ठंड का मौसम होता है या फिर गर्मी का तो आप क्या फील करोगे कूल्ड cool. आप वुलन क्लॉथ कब वेयर करते हो जब कोल्ड cool होती है ठंड होती है तो इसमें आप कूल फिल करोगे नेक्स्ट देखिए राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आपने इसमें क्या करना है अपोजिट्स वर्ड्स करने हैं ओके फर्स्ट देखिए फैट फैट का अपोजिट थिन सेकेंड देखिए स्वीट स्वीट का अपोजिट बिटर थर्ड लव लव का अपोजिट हेट फोर्थ थिक थिक का अपोजिट भी क्या होता है थिन फिफ्थ हैप्पी हैप्पी का अपोजिट सैड सिक्स अगली अगली का अपोजिट ब्यूटीफुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द क्लूज फ्रॉम हेल्प बॉक्स आपको साइड में हेल्प बॉक्स दी है आपने उसमें से क्लूज लेके क्या करना है फिलिप्स को फिल करना है फर्स्ट देखिए देयर आर डैश वंडर ऑफ द वर्ल्ड हमारे जो क्या हैं वर्ल्ड में कितने वंडर्स हैं सेवन क्या आएगा इसमें से आप सिलेक्ट करोगे तो आपने क्या है? इसमें फिल करना है सेवन सेकेंड देखिए अ ईयर हैज़ डैश डेज कितने डेज होते हैं हमारे एक साल में थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव आप यहाँ पे नंबर नेम के अकॉर्डिंग लिख सकते हो थ्री सिक्सटी फाइव तो आप इसको मैथमेटिक के डिजिट्स के थ्रू भी लिख सकते हो थ्री सिक्स फाइव ओके थर्ड है न्यू दिल्ली इज़ अ डैश सिटी न्यू दिल्ली कैसी है एक बहुत बड़ी सिटी है तो यहाँ पे क्या आएगा बिग फोर्थ में देखिए टायर इज़ डैश इन कलर टायर कैसा है कलर में ब्लैक कैसा होता है ब्लैक तो आप फिल करोगे ब्लैक फिफ्थ एप्पल इज अ डैश फ्रूट एप्पल कैसा फ्रूट होता है Healthy. तो आप क्या फिल करोगे इसमें फ्रूट आर डैश इन शेप शेप कौन सी शेप में होते हैं राउंड में तो इसमें क्या फिल करोगे आप राउंड सेवेंथ है सोल्जर इन द आर्मी इज डैश मैन जो सोल्जर्स के आर्मीज के आर्मी के सोल्जर्स होते हैं वो कैसे मैन होते हैं ब्रेव तो इसमें क्या फिल करोगे आप ब्रेव एट्थ है ही इज अ डैश किंग ये वह कैसा किंग है क्रूल बहुत वह बहुत निर्दयी है वह एक क्रूल राजा है मतलब कि निर्दयी राजा है नेक्स्ट देखिए राइट द एडजेक्टिव विद सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन एडजेक्टिव्स आपको एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं उसके सिमिलर मीनिंग्स आपने सामने लिखने हैं फर्स्ट है नीट नीट का मतलब होता है साफ एकदम जैसे कि उसका सिमिलर वर्ड क्या हुआ एलिगेंट एलिगेंट को भी हम नीट ही बोलते हैं सेकेंड है कोल्ड कूल्ड का सिमिलर वर्ड हुआ कूल cool. थर्ड है कॉस्टली कॉस्टली का सिमिलर वर्ड एक्सपेंसिव फोर्थ फोर्थ है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का सिमिलर वर्ड है गुड लुकिंग फिफ्थ है मिस्चीवियस मिस्चीवियस मीन्स नॉटी ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए चूज द राइट ऑबेक्टिव टू कम्प्लीट द सेंटेंस आपको सेंटेंसेज दिए हुए हैं और आपको हिंट दी हुई है ऊपर आपने उसमें से सिलेक्ट करना है और सेंटेंस को कम्प्लीट करना है फर्स्ट है शिवी गॉट गुड ग्रेड्स शी इज डैश शिवी ने गुड ग्रेड्स गॉट किए हैं और वो क्या है इंटेलिजेंट शी इज़ इंटेलिजेंट सेकेंड है शालू हैज़ मैनी फ्रेंड्स शालू की क्या है बहुत सारे फ्रेंड्स हैं शी इज़ पॉपुलर थर्ड मनन आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन मनन क्या करता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ही इज डैश क्या है वह इनक्यूसिटिव वह क्या है इनक्यूसिटिव है मीन्स जिज्ञासु है जो बहुत सारे क्वेश्चन पुट करता है फोर्थ आनवी डज नॉट टॉक्स लॉट शी इज डैश आनवी क्या करती है बहुत बातें नहीं करती वो क्या है शी इज शाय वह बहुत शर्मिली है फिफ्थ व्यान ज बिग हाउस ही इज रिच रिहान के पास क्या है बहुत बड़ा घर ही इज रिच वह अमीर है सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू रीड दिस चैप्टर एंड राइट इन योर बुक थैंक यू हैव अ नाइस डे